एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी एक और नई जॉब्स की वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आईपीएच डिपार्टमेंट को लेके, यानी हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग को लेके। सबसे पहले दोस्तों हम आज बात करेंगे जो हमारे पास दो नोटिफिकेशन आउट हुई हैं। एक तो हमारे पास बिलासपुर डिवीजन की जो है रिक्वायरमेंट की नोटिफिकेशन आउट हुई है, दूसरी जो है हमारे पास चुवाड़ी डिवीजन की जो है एक नोटिफिकेशन आई है, क्योंकि डिवीजन के लिए जो था फॉर्म फिलअप करने की जो लास्ट डेट थी वो 19/7/2024 थी, जिसको कि बढ़ा के जो है अब 25/7/2024 तक कर दिया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा का चुवाड़ी डिवीजन है, अगर चंबा के चुवाड़ी डिवीजन के लोगों ने अभी तक जो अपना फॉर्म नहीं फिलअप किया है और फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो 25/7/2024 तक जो अपना फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे हम बिलासपुर डिवीजन की। अब दोस्तों हम बात करेंगे जल शक्ति विभाग के बिलासपुर डिवीजन की। यहाँ पे क्या है, 40 पदों तो जो है आवेदन मांगे गए हैं। आप सबको पता है इन पदों के लिए जो है पहले भी आवेदन मांगे गए थे, तो यहाँ पे इन्होंने एक जरूरी नोट जारी किया है कि जिन लोगों ने जो है पहले इन पदों के लिए आवेदन किया है उन्हें जो है फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपनी कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो अपनी कैटेगरी के सर्टिफिकेट जो है सबमिट करवा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे किस कैटेगरी के कितने पद रहने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे पैरा पंप ऑपरेटर में तो 12 पद रहेंगे यहाँ पे, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी के 7 पद हैं, एससी के 2 पद हैं, ओबीसी के 2 पद हैं, ईडब्ल्यूएस का 1 पद रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो पैरा पंप ऑपरेटर के लिए है वो आपकी 10वीं पास होनी चाहिए और आपकी जो आईटीआई है इलेक्ट्रीशियन वायरमैन डीजल मैकेनिक मोटर मैकेनिक पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक ट्रेड में होनी चाहिए, या आप 10वीं पास होनी चाहिए और आपके पास जो है स्किल डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू जो है इन ट्रेड में जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस तरह दोस्तों यहाँ पे पैरा फिटर के जो है 6 पद हैं, जिसमें कि 4 पद जो है अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, 1 पद एससी का है और 1 पद ओबीसी कैटेगरी के थ्रू ये भरा जाएगा। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहेगी आपकी 10वीं पास होनी चाहिए और आपकी जो आईटीआई या फिटर और प्लम्बर ट्रेड में यहाँ पे होनी चाहिए, या आप 10वीं पास होनी चाहिए और आपके पास जो है स्किल डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू जो है इन ट्रेड में जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों बात करें मल्टीपर्पज वर्कर के, यहाँ पे 22 पद हैं, जिसमें कि 11 पद जो रहेंगे आपके अनरिजर्व कैटेगरी से, 4 पद रहेंगे एससी कैटेगरी से, 4 पद ओबीसी से और 2 पद जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से और 1 पद जो है आपका एफटी कैटेगरी से भरा जाएगा, जिसके लिए कि जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी 8वीं पास होना यहाँ पे अनिवार्य है। यहाँ बात करें हम एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है 18 से 45 वर्ष के बीच में रहेगी। यहाँ पे इन्होंने ये चीज बता मेंशन की है कि आपको जो पोस्टिंग आपकी होगी वो आपकी जल शक्ति डिवीजन बिलासपुर फदर और श्रीनारायण देवी कॉन्फिडेंसी में आपको जो है यहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी। इस तरह हम दोस्तों बात करें डॉक्यूमेंट की यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट जो आपके रहेंगे आपका एज प्रूफ हो गया, बीपीएल सर्टिफिकेट हो गया, आपका एजुकेशन प्रूफ हो गया, टेक्निकल एजुकेशन प्रूफ हो गया, बोनोफाइड सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया। तो एक्सपीरियंस का दोस्तों आप सबको पता है कि जो एक्सपीरियंस यहाँ पे मान्य होता है या तो आपका एक्सपीरियंस जल शक्ति विभाग से या पीडब्ल्यूडी से या सीपीडब्ल्यूसी या पीएसयू से होना चाहिए या आउटसोर्सिंग एजेंसी जिसने की जल शक्ति विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और उसके ऊपर जो है काउंटर साइन होने चाहिए कंफर्म्ड एक्शन के, जिस डिवीजन से आपने अपनी सेवाएं दी हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करें कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है और कहाँ पे जमा करवाना है और क्या इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो दोस्तों आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है वो करवाना होगा टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन बिलासपुर के एड्रेस के ऊपर जाके। और दोस्तों जो इन पदों के लिए जो है फॉर्म फिलअप करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 5 अगस्त 2024 रहेगी। 5 अगस्त 2024 तक जो आप अपना आवेदन कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे को कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में फेसबुक पेज पर अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी हमारे लाइक करें। दोस्तों तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट अपडेट में। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।